नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में नौकरियों की चर्चा हमेशा चलती रहती है और अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर में एक सभा को संबोधित करते हुए दोहराया है कि बहुत जल्द 40,000 से 50,000 नौकरियां युवाओं को देने की तैयारियां हैं और JSSC और JPSC के अलावा भी कई ऐसे विभाग हैं जहां से रिक्तियों की सूची मंगा ली गई है और बहुत जल्द उन रिक्तियों को लेकर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है, सीएम की तरफ से ये प्रयास हो रहा है, लेकिन इन प्रयासों में कहां तक वो सफल हो पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, सीएम ने एक बार फिर विस्तार से बताया है कि JPSC और JSSC के अलावा भी कई विभागों में वैकेंसियां हैं जिन्हें निकालने की तैयारी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी उदय, जिस तरीके से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जिलों का भ्रमण कर रहे और इस बीच सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को लेकर भी वो बड़ा बयान दे रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सत्ते में कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तब वो लगभग 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर 5 लाख नौकरियां कहाँ गई। दूसरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर कहा था कि 1 साल के भीतर सरकार 1.5 लाख नौकरियां देगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस भी जिले जा रहे हैं वहां पर यही बोल रहे हैं कि लगभग 30,000 से 40,000 वैकेंसी आने वाली है, नौकरी सरकार देगी। सिर्फ JPSC और JSSC नहीं बल्कि अन्य विभागों में जहां पर जो नियुक्तियां होने वाली है इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तो कह सकते हैं अब आने वाले समय में बहुत सारी नियुक्तियां होने वाली है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग युवाओं की बात करेंगे उदय, तो युवा लगातार आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना रहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है, एलिगेशन भी अभ्यर्थी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि JPSC हो या फिर JSSC, अगर दोनों में से आयोग में से अगर कोई भी विज्ञापन जारी होता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है या फिर कह सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, जिसको लेकर अभ्यर्थी हर एक दिन आंदोलन की रणनीति बनाते हैं और उसी के तहत आंदोलन करते हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के माध्यम से युवाओं को कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं, इस बीच युवाओं का कहना है कि अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति की दिशा में जरूर कुछ पहल करेंगे और आने वाले समय में झारखंड के युवाओं का भला होगा। क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर में थे तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 30,000 से 40,000 नौकरियां आने वाले समय में सरकार देगी, इसलिए अब तमाम अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात से भी डर रहे हैं कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार इसका जिक्र किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो जो भी उनकी मांग है उसको धीरे धीरे करके पूरा करेंगे, खास तौर पर युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन 5 लाख नौकरियां नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी ओर रोजगार से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भी युवा खुश नहीं है। उनका कहना है कि 10,000 से 15,000 की नौकरियों के लिए हम लोगों को बाहर स्टेट भेजा जा रहा है, हम लोग इससे खुश नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्तियां दे। तो कह सकते हैं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी बात कही है, तो आने वाले समय में चीजें जो है धीरे धीरे करके स्पष्ट होगी कि आखिर किन किन विभागों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को नौकरी देंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, और JPSC और JSSC की परीक्षाएं अक्सर विवादों में आ जाती है, लेकिन अगर दूसरे विभाग जैसे CDPO या जिनकी बात CM कर रहे हैं, अगर वहां नियुक्ति होती है तो शायद लगता है कि वहां आसानी से नियुक्तियां पूरी हो पाएंगी। जी उदय, अगर JPSC और JSSC की बात करेंगे तो वो हमेशा विवादों में ही रहा है, लेकिन अगर अन्य विभाग की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं वहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो विषय रहता है वो ट्रांसपेरेंसी का रहता है। अभ्यर्थी यही बोलते हैं कि परीक्षा होती है लेकिन हम चाहते हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि JPSC का आपने हाल देखा था कि जब 7वीं से 10वीं JPSC राज्य में हुई थी तब अभ्यर्थी जो है रांची पहुँचे थे, आंदोलन कर रहे थे और उनका कहना था ट्रांसपेरेंसी
नहीं है इस परिणाम में जो रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जेएसएससी की भी बात करेंगे, एक ओर जहां सीजीएल की परीक्षा नहीं हो रही है, पीजीटी की परीक्षा हुई उसमें भी लोगों का कहना है कि जो एनसीआर की जा रही हुआ है उसमें धांधली हुई है, तो कह सकते हैं अब अन्य जो विभाग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है, लोग उम्मीद जरूर जताएंगे कि इसमें विवाद ना हो, ये कोर्ट के दहलीज तक ना पहुंचे, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि झारखंड राज्य में कोई भी विज्ञापन या फिर कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाती है। बहुत सारे एलिगेशन जो है झारखंड के अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आते हैं, उनका कहना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि 30 से 40 हजार नौकरियां अब आने वाले समय में सरकार देगी अन्य विभागों में जो जेपीएससी और जेएसएससी से अलग रहेगा, तो कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को एक उम्मीद की किरणें जरूर दिखेगी कि इसमें विवाद ना हो, और ये लोग भी चाहेंगे कि अब बहुत समय के बाद नियुक्ति हो रही है, बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है, तो वो लोग भी चाहेंगे कि इसमें विवाद ना हो, विवाद से ये दूर रहे जो नियुक्ति होने वाली। तो कह सकते हैं अब आने वाले समय में उदय ये जरूर स्पष्ट होगा कि जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी विवादों में रहा है, अगर अन्य विभागों में यहाँ पर नियुक्तियां होगी तो किस तरीके से नियुक्तियां होंगी, क्या वो विवादों में रहेगा या फिर नहीं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम हेमंत सोरेन अब इरादा जताते नजर आ रहे हैं, अभ्यर्थियों के सामने घोषणा भी कर रहे हैं, लेकिन इन घोषणाओं को क्या वो अमलीजामा पहना पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।